हेलो फ्रेंड्स, लेडीज़ क्रश चैनल में आप सबको स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 8 से 9 साल बच्चे के लिए नेट सैरी में लहंगा की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। इस तरह का सैरी है, मैंने इस घाघरा के लिए चोली भी स्टिच किया है, इस तरह स्टिच किया है। आप देखना चाहते तो ऊपर लिंक दे दिया है मैंने, लिंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को देख लीजिए। अभी हम घाघरा स्टिच करेंगे, लहंगा स्टिच करेंगे इस साड़ी में। पहले हम आस्तीन पे मार्किंग और कटिंग करेंगे। मैंने इस घाघरा को स्टिच करने के लिए 2 मीटर लाइनिंग के कपड़े लिया है। इसको हम पहले डबल फोल्ड करेंगे। 2 मीटर लाइनिंग कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है। पहले हम लाइनिंग कपड़े के ऊपर अम्ब्रेला लहंगा की मार्किंग करेंगे। इसके लिए मैंने पहले डबल फोल्ड किया है कपड़े को, इसके बाद ट्रायंगल शेप में इस तरह 4 लेयर्स में फोल्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। इस कॉर्नर पे कमर की साइज़ है 24 इंच, इसमें 4 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए, टोटली 28 इंच हुआ। इसका चौथा भाग हुआ 7 इंच, इस कॉर्नर पे हमें 7 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए, यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। 7 इंच कहाँ पे बराबर आएगी वहाँ पे हमें मार्क करना है। इस तरह कमर की मार्किंग करने के बाद इस कॉर्नर से दोनों साइड लेंथ लेना है। दोनों साइड सेम साइज़ होना चाहिए, दोनों साइड 9.5 इंच है। इसके बाद हम कमर की मार्किंग को कट करेंगे। अभी 34 इंचेस लेंथ की लहंगा को हमें रेडी करना है। ऊपर 2 इंच बेल्ट आएगी, 34 इंचेस में हम 2 इंच बेल्ट को माइनस करेंगे, 32 इंच हुआ। अभी हमें 32 इंच लेंथ को कट करना है लहंगा को, और लाइनिंग कपड़े के ऊपर 1 इंच कम करेंगे। टोटली हम लाइनिंग कपड़े के ऊपर 31 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह मैंने 31 इंच पे मार्क कर दिया है। अभी हम इसको कट करेंगे। इसके बाद लहंगा की लेंथ में यहाँ पे कम पड़ रहा है लाइनिंग कपड़े के ऊपर, इसलिए बचे हुए कपड़े को हम कट करके यहाँ पे जॉइंट करना है। इसके लिए बचे हुए कपड़े की सीधी साइड को हमें यहाँ पे रखना है इस तरह। सीधी साइड को रखना है और फिर से कमर से 31 इंच पे मार्क करना है, और जॉइंट करने के लिए 2 से 3 पॉइंट्स ऊपर छोड़ना है। छोड़ के 31 इंच पे मार्क करना है कमर की मार्किंग से। इस तरह हम मार्किंग करने के बाद इसको हम कट करेंगे। अभी देखिए, मैंने जॉइंट करने के लिए लाइनिंग कपड़े को इस तरह कट कर दिया है। इसको हमें इस तरह जॉइंट करना है स्टिच डाल के। लाइनिंग कपड़े के ऊपर लहंगा के लिए मार्किंग पूरा हो चुका है। मैं पूरा ओपन करके आपको दिखाती हूँ। 2 लेयर्स में है अभी आगे और पीछे पार्ट के लिए। यहाँ पे हमें जोड़ना होगा पीस की सीधी साइड और लहंगा कपड़े की सीधी साइड को जॉइंट करना है। हमें कर्व पीस साइज को नीचे करना है। इस तरह आगे और पीछे दोनों पार्ट्स में दोनों पीसेस को जॉइंट करना है। अभी लाइनिंग कपड़े के ऊपर लहंगा की कटिंग पूरा हो चुका है। इसके बाद हम कमर पट्टी के लिए कपड़े को कट करेंगे। 2 इंच पट्टी को हमें रेडी करना है। डबल फोल्ड करने के लिए 4 इंच चाहिए और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। टोटली हमें 5 इंच लेंथ की पट्टी चाहिए। इस तरह हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। मैंने डबल फोल्ड करके रख दिया है कपड़े को। ये देखिए, डबल फोल्ड है। कमर की साइज है 28 इंच। यहाँ पे जॉइंट करने के लिए, क्योंकि दोनों पीसेस ओपन है, इसके लिए जॉइंट करने के लिए मैंने मार्जिन छोड़ दिया है। इसके बाद 14 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। 28 इंच के आधा हुआ 14 इंच। अभी हम इसको कट करेंगे। देखिए,
लहंगा की कमर पट्टी के लिए हमने कपड़े को कट कर दिया है लाइनिंग कपड़े के ऊपर। इसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर लहंगा के लिए कपड़े को कट करेंगे। इस तरह का नेट सारी है। पहले हम कमर पट्टी के लिए मेन फैब्रिक को कट करेंगे। मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया है, इसके ऊपर हम कमर पट्टी को रखेंगे लाइनिंग के कपड़े को। अभी हम इसको कट करेंगे। कमर पट्टी के लिए मेन फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। इसके बाद हम लहंगा के लिए कपड़े को कट करेंगे। लहंगा के लिए मैंने साड़ी में 3 मीटर कपड़े को कट करके इस तरह फोर फोल्ड में बिछा दिया है। इसके बाद लहंगा की लेंथ को मार्क करेंगे। 32 इंच पे मैंने इस तरह मार्क कर दिया है। अभी हम इसको कट करेंगे। टोटली मैं 3 मीटर कपड़े लिया है मेन फैब्रिक के कपड़े। लहंगा के लिए हम मेन फैब्रिक को भी कट कर दिया है। अभी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। पहले हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। बेल्ट के लिए मैंने 2 पीसेस काट लिया है। इसके लिए पहले हम दोनों पीसेस को जॉइंट करेंगे। इसके बाद लाइनिंग कपड़े के ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे और दोनों साइड स्टिच डाल के अटैच करेंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें स्टिच करना है। ये देखिए मैं बेल्ट के ऊपर और नीचे दोनों साइड स्टिच डाल के जॉइंट कर दिया है। इसके बाद बेल्ट की दोनों साइड में हमें ऐसे फोल्ड करना है, 1/2 इंच तक फोल्ड करना है। फोल्ड करके स्टिच डालना है। बेल्ट अभी पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इसके बाद आस्तीन कपड़े को यहाँ पे हमें जॉइंट करना है। पूरा ओपन कर दिया है, आगे और पीछे दोनों साइड्स को मैंने ओपन कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे हमें जॉइंट करना है इस तरह। ये देखिए मैंने इस तरह जॉइंट कर दिया है स्टिच डाल के, और नीचे की साइड मैंने फोल्ड करके भी फिनिशिंग कर दिया है डबल फोल्ड करके। इसके बाद लाइनिंग कपड़े के ऊपर कट किया हुआ सैरी के कपड़े को, 3 मीटर हमने सैरी को कट किया है लहंगा के लिए, इसको हमें प्लेट्स डाल के ज्वाइंट करना है। लाइनिंग कपड़े की कमर की साइड हमें इस प्लेट्स को बनाना है। पहले हम 1/2 इंच तक सीधा स्टिच डाल देंगे। दोनों फैब्रिक को जोड़ के हमें 1/2 इंच तक सीधा स्टिच डालना है। इसके बाद ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स बनाना है, बहुत ही छोटे छोटे प्लेट्स बनाना है हमें इस घाघरे में। ये देखिए मैं बहुत ही छोटे छोटे प्लेट्स बना रही हूँ। इस तरह हमें लाइनिंग कपड़े के ऊपर मेन फैब्रिक को छोटे छोटे प्लेट्स बनाते जॉइंट करना है। मैंने लाइनिंग कपड़े के ऊपर मेन फैब्रिक को छोटे छोटे प्लेट्स बना के जॉइंट कर दिया है। इसके बाद हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे। लहंगा को सीधा रख दीजिए, इसके ऊपर बेल्ट को ऐसे रखेंगे उल्टा। अभी हमें दोनों को जॉइंट करना है इस तरह। एक को सीधा रखेंगे और एक को उल्टा रखेंगे, रख के जॉइंट करना है हमें।
ये देखिए मैंने इस तरह पट्टी को जॉइंट कर दिया है, लहंगा के ऊपर बेल्ट को जॉइंट कर दिया है। इसके बाद लहंगा की दोनों साइड को ऐसे में 2 इंच तक फोल्ड करना है, बेल्ट के नीचे ऐसे फोल्ड करना है। इसके बाद पट्टी को ऐसे फोल्ड करके स्टिच डालना है। लहंगा की उल्टी साइड हमें इस पट्टी को डबल फोल्ड करना है, फोल्ड करके स्टिच डालना है। ये देखिए मैंने बेल्ट को डबल फोल्ड करके स्टिच डाल दिया है। इसके बाद लहंगा की दोनों साइड्स को हमें जॉइन करना है। हमने पहले ही दोनों साइड 2-2 इंच तक फोल्ड करके स्टिच डाल लिया है बेल्ट के नीचे। वो 2 इंच को छोड़ के हमें दोनों साइड्स को ऐसे जॉइंट करना है। मैं लहंगा की दोनों साइड्स को जॉइंट कर दिया है। अभी पूरी तरह से नेट सैरी में लहंगा और घाघरा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। ये देखिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इस लहंगा के ऊपर मैंने इस तरह का चोली भी रेडी कर दिया है। आप वीडियो देखना चाहते तो लास्ट लिंक दे दूंगी, वीडियो की लिंक। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है लेडीज क्रेज। इस वीडियो को आप कन्नड़ में भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।